नमस्कार एंड वेलकम टू सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों का बाद आपसे मुलाकात हो रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपके मन में सवाल होगा कि इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं डाले, जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस ईमेल्स मेरे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे चैनल में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अगर आपका कोई काम का है तभी हम देते हैं। बेमतलब का, बेवजह का, छोटी सी एक चीज़ को लेके 10 वीडियो बनाना जस्ट एंड जस्ट फॉर मनी, व्यूज़ पाने के लिए, ये मैं कदे ही सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो दोस्तों, आज का इस वीडियो में जो मेन थिंग्स जो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ सैलरी, पब्लिक अलाउंस, पब्लिक पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, ये सवाल अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1807, ये सवाल राज्यसभा में रेज किया गया था, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1807, जो कि 2 अगस्त 2022 को इसका जवाब भी मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट 8 CPC फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्या हमारा सैलरी अलाउंस पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का नहीं रिवाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर ऐसे है तो इसका रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि 7 CPC में एक रिकमेंडेशन था कि ये जो सैलरी बढ़ाने का जो प्रक्रिया है 10 साल में, ये ना करके हर साल किया जाए, इसका क्या कंसिडर किया गवर्नमेंट ने। और चौथा क्वेश्चन था, 2016 से लेकर के 2022 6 साल हो गया, अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि हर साल आपका सैलरी नहीं बढ़ा, तो इसका रीजन क्या है इसके पीछे, 7 CPC का जो रिकमेंडेशन है वो क्यों नहीं माना गया। सो दोस्तों, एक एक करके अभी चारों क्वेश्चन का जवाब भी दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी का ये सवाल का जवाब है। जो पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट क्या 8 CPC फॉर्मुलेट नहीं करने का कोई डिसीशन लिया है, इसका सीधा जवाब है नो सर, यानी कि 8 CPC नहीं होगा, ऐसे करके कोई डिसीशन अभी तक नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि अगर ऐसे है तो इसका रीजन क्या है। देखिए, जब ये डिसीशन नहीं लिया गया तो रीजन का सवाल नहीं अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि 7 CPC में जो रिकमेंडेशन था कि हर साल आपका सैलरी रिवीजन होगा, इसका क्या हुआ, इसका जवाब यह था, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द चेयरमैन ऑफ 7 CPC इन हिज फॉरवर्डिंग ऑफ द रिपोर्ट इन पैरा 1.22 हैड रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इट कैन बी व्यूड एंड रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्रॉइड फॉर्मूला व्हिच टेक्स इन टू कंसिडरेशन द चेंज प्राइस ऑफ द कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट ए कॉमन मैन्स बास्केट व्हिच द लेबर ब्यूरो एट शिमला रिव्यूज पीरियडिकली, इट इज सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड द बेसिस फॉर रिविजन ऑफ दैट मैट्रिक्स पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन। ये रिकमेंडेशन 7 CPC में दिया था, ये एग्री किया, कैबिनेट ने इसको मंजूरी नहीं दिया। सवाल नंबर 4 जो था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब में श्री पंकज चौधरी जी ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने कहा, दिस इशू हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द इंडियन कैबिनेट व्हाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिविजन ऑफ पे एनालिसिस बेस्ड ऑन 7 CPC। जब 7 CPC का रिकमेंडेशन को कैबिनेट में लाया गया अप्रूवल के लिए, तो ये जो तीसरा नंबर पैरा में जो बताया गया कि हर साल रिवीजन होगा, ये मंजूरी नहीं पाया, यानी कि एक पे कमीशन नहीं होगा, ऐसे कोई न्यूज नहीं है, और हर साल जो पे रिवीजन करने का जो रिकमेंडेशन था वो भी मंजूरी नहीं मिला। 8 CPC का बेनिफिट मिलेगा पेंशनर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबको 8 CPC का बेनिफिट मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था। और इसी तरह का जानकारी
टाइम टू टाइम मिलने के लिए, ऑथेंटिकेट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है जहां पे इस न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप क्लैरिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हजारों ऐसे वेलफेयर रिलेटेड टॉपिक्स उसमें होंगे जो कि आप पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आप रह सकते हैं अपडेटेड रिगार्डिंग मिलिट्री मैटर्स। तो दोस्तों, इसी उम्मीद का साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।